हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी सब्जी जो कि यूपी बिहार में बहुत फेमस है, जिसे कि बकला सब्जी कहते हैं। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, और चैनल में नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम इस सारी सब्जी को अच्छी तरीके से धो देंगे। हम बकला को अच्छी तरीके से काट लेंगे, उसके साथ कटे हुए आलू, प्याज, टमाटर और धनिया भी काट लेंगे। उसके बाद एक कटोरी में भिगोए हुए मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक को अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी, रेड चिली पाउडर और सब्जी मसाला। इसे हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। हमारा पेस्ट अब रेडी हो चुका है। अब हम एक गरम कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, उसके साथ साथ मस्टर्ड सीड्स और ड्राई रेड चिली ऐड करेंगे। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें कटे हुए प्याज को भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। प्याज को हम हल्का सुनहरा होने तक उसे पकाएंगे। उसके बाद कटे हुए बकला को भी हम ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब हम इसमें कटे हुए आलू को भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे, जब तक ये थोड़ा नरम ना हो जाए। इसे अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसमें पेस्ट को ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिला देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम कटे हुए टमाटर को ऐड कर देंगे इसमें। इसके बाद हम इसमें कटे हुए धनिया पत्ता को भी अच्छी तरीके से मिला देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पकने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसमें लास्ट में हम थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। क्यों है ना ये सब्जी एकदम मसालेदार और मज़ेदार? तो इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, आपके यहाँ इस सब्जी को किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही बाकी सारे मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए SMPS चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।